रेलवे स्टेशन से बाहर निकलकर जैसे ही रुचि ने देखा, कोई भी टैक्सी मौजूद नहीं थी। अभी तो केवल एक बचा है, इस समय तो यहाँ रिक्शे खड़े रहते हैं, आज क्यों नहीं है? वैसे ही पापा जिद करके शादी के लिए लड़का देखने के लिए बुला रहे हैं। सब कुछ अचानक कैसे होगा? ऐसे कैसे किसी भी लड़के के लिए हाँ कर दूं? उसने मोबाइल से ऑनलाइन कैब बुक की। दो बार बुक करने के बाद दोनों बार राइड कैंसिल हो गई। वो अपने पापा को भी फोन लगाने लगी, मगर फोन नॉट रीचेबल था। उसे समझ ये नहीं आ रहा था कि वो यहाँ से घर कैसे पहुँचेगी। अब तो किसी से लिफ्ट ही लेनी पड़ेगी, मगर रात के वक्त किसी से लिफ्ट लेना भी तो खतरे से खाली नहीं होता। क्या करूं? सोचते हुए वो अपना ट्रॉली बैग घसीट कर मेन रोड पर ले आई और किसी टैक्सी या कैब का इंतजार करने लगी। कुछ देर में एक टैक्सी उसके सामने आकर खड़ी हो गई। टैक्सी की हालत बहुत जर्जर थी, मानो वो बरसों पुरानी हो। टैक्सी ड्राइवर एक महिला थी। टैक्सी ड्राइवर ने टैक्सी का दरवाजा खोला और रुचि उस टैक्सी में बैठ गई। अपनी सोसाइटी के बाहर उतरकर जैसे ही रुचि पैसे देने के लिए पलटी, उसे ध्यान आया कि अपना लैपटॉप बैग तो उसने टैक्सी से निकाला ही नहीं। वो तुरंत लैपटॉप बैग लेने के लिए पलटी तो वहां पर टैक्सी नहीं थी, मगर उसका लैपटॉप बैग जमीन पर रखा हुआ था। ये टैक्सी अचानक से कहां चली गई? वो तुरंत चौकीदार के पास पहुंची तो उसने टैक्सी के बारे में पूछा तो वो हंसने लगा। मैडम क्यों मजाक कर रही है, आप अभी पैदल ही तो आई हैं। रुचि उसकी बात सुनकर हैरान रह गई। मैं तो टैक्सी में आई थी। उसे कुछ समझ नहीं आया, मगर उस दिन के बाद से उसे अंधेरे में निकलने में डर लगने लगा था। उसे अब रात को भयानक सपने नजर आते थे। घर वालों ने जब से डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने बताया कि इसे नाइटोफोबिया यानी कि अंधेरे का डर है, मगर रुचि को इन सब बातों पर यकीन नहीं था। उसे हर वक्त लगता है कि सच में उसके ऊपर किसी आत्मा का साया है, कोई रात के वक्त उसके आसपास मौजूद रहता है। बेटा, अगर तू उसी रात के बारे में इस तरह सोचती रहेगी तो तेरा पूरा जीवन मुश्किल हो जाएगा। तुझे वो सब कुछ बुरा सपना समझ के भूल के आगे बढ़ना होगा। वैसे ही हमें अभी तेरी शादी के बारे में भी तो सोचना है। अगर तू इसी तरह रात रात परेशान रहेगी तो हम कैसे तेरी शादी की बात चला सकेंगे? हम मुझे इस बारे में कोई बहस नहीं करनी है। कल ही मेरे दोस्त का बेटा यूएसए से लौटा है, हम उससे तेरी शादी के बात चला रहे हैं। मुझे कोई बहस नहीं चाहिए, बस। मगर माँ, किसी ने रुचि की कोई बात नहीं सुनी और लड़के वालों को बिना उसकी बीमारी के बारे में बताए उसकी शादी तय कर दी। माँ, आप लोग ये ठीक नहीं कर रहे हैं। आपने उन लोगों से मेरी इतनी बड़ी बात छिपा दी, क्या होगा अगर उन्हें सच पता चल गया तो? क्या हुआ है तुम्हें? कुछ भी तो नहीं हुआ, सिर्फ एक डर है जो तुम्हारे दिमाग पर हावी हो गया है। डॉक्टर साहब ने भी तो कहा है ना, तुम्हें अंधेरे से डर लगता है। शादी के बाद सब ठीक हो जाएगा। क्या सच में सिर्फ इतनी सी बात है? उन सपनों और आवाजों का क्या जो रात में मुझे दिखाई देते हैं, सुनाई देते हैं, जिनके कारण मेरी पूरी रात दहशत में बीतती है? पहले मैं भी इन सब बातों पे यकीन नहीं करती थी, मगर जब खुद पे बीतती है तब पता चलता है। मगर आप लोगों को तो यकीन ही नहीं है ना? रुचि अपने माता पिता को समझाने की कोशिश कर ही रही थी कि उसके होने वाले ससुर जी का फोन आया। हम लोग आपके यहाँ से लौट रहे थे, अचानक ही हमारी कार का एक्सीडेंट हो गया और कुछ समझ में नहीं आया कि अचानक कैसे हुआ। सामने एक महिला आई और उसे बचाने के चक्कर में गाड़ी पेड़ से टकरा गई, मगर जब दोबारा देखा तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। अचानक ही वो आई और चली गई। हालांकि वैसे तो सब कुछ सकुशल है, आप चिंता मत करना। ये कहकर उन्होंने फोन रख दिया। उनकी बात सुनकर रुचि के पापा परेशान हो गए, मगर उन्होंने घर पर किसी को कुछ भी नहीं बताया। उसी रात रुचि को सपने में एक बहुत ही भयानक महिला नजर आई। तुझसे जुड़े हर इंसान को खत्म कर दूंगी, तू केवल अकेली रह जाएगी इस पूरे दुनिया में अकेली। भूल कर भी नए संबंध मत बनाना, वरना आज तो केवल उन्हें डराकर छोड़ दिया। छोटा सा एक्सीडेंट हुआ है, मगर अगली बार मौत पक्की है। ख्वाब देखकर रुचि डर के मारे चीखने लगी। उसकी माँ तुरंत उसके कमरे में आई। माँ,
क्या हुआ? क्यों परेशान हो रही है? रुचि ने जैसे ही अपने ख्वाब की बात बताई, उसके पिता का चेहरा सफेद हो गया, क्योंकि कुछ ही देर पहले उन्हें एक्सीडेंट के बारे में पता चला था। अब उन्हें कुछ कुछ रुचि की बातों पर यकीन होने लगा था। माँ, ये शादी नहीं हो सकती। मैं अपनी खुशी के लिए किसी और की जान को खतरे में नहीं डाल सकती। पहले बेटी की ऐसी हालत और अब वो शादी के लिए मना कर रही थी, यही सोचकर उसके माँ बाप परेशान हो गए। कुछ दिनों के बाद एक रात जब अचानक कमरे की लाइट ऑन ऑफ होने लगी, बाथरूम का नल चालू हो गया था। बाथरूम के नल की आवाज से उसकी नींद खुली। जैसे ही वो उठी, कमरे में बहुत तेज बदबू आ रही थी। वो धीरे से बाथरूम की ओर बढ़ी, मगर वहां पर कोई नल चालू नहीं था। लौटकर वापस अपने बिस्तर पर आई तो पूरे कमरे में बहुत भयानक बदबू आ रही थी, और उसकी जगह पलंग पर एक महिला बैठी थी जिसका चेहरा बालों से ढका हुआ था। कौन हो तुम? रुचि की आवाज सुनकर जैसे उस महिला ने अपना चेहरा ऊपर किया, उसकी भयानक शक्ल देखकर रुचि की चीख निकल गई। ये वही औरत थी जो उसे अक्सर सपने में दिखाई देती थी, जिसकी चीख सुन उसके मम्मी पापा कमरे में आ गए थे, मगर अब यहाँ पर वो औरत नहीं थी। माँ, मेरा यकीन करो, वो अभी यहीं बैठी थी। अब रुचि के माता पिता को भी कहीं ना कहीं यकीन होने लगा था कि रुचि झूठ नहीं बोल सकती, इतना सब कुछ वहम नहीं होता। रुचि के साथ कुछ तो ऐसा चल रहा है जिसका इलाज मेडिकल साइंस के पास नहीं है, क्योंकि डॉक्टर भले ही रुचि की बीमारी को नाइटोफोबिया का नाम दे, मगर यदि रुचि इमेजिन भी कर रही है तो उस फोन का क्या जो उसके ससुर ने किया था। आप कल सुबह ही टेकरी वाले हनुमान जी चले जाइएगा, वहाँ पंडित जी से मिलके शायद हमारी समस्या का समाधान हो जाए। अगली सुबह ही वो लोग हनुमान मंदिर के पुजारी के पास पहुँचे। उन्होंने सारी बात बताई। उन्होंने हनुमान जी के चरण की सिंदूर निकाल कर एक तावीज को लगाया और उस तावीज को देते हुए बोले, उस लड़की की समस्या क्या है ये तो आपके घर पर आकर के ही पता चलेगा, मगर अभी उसकी सुरक्षा के लिए तावीज उसकी दाहिनी कलाई पर बांध देना। आने वाली पूर्णिमा को मैं अपने कुछ शिष्यों के साथ आपके घर आऊंगा, तब समस्या का समाधान निकल जाएगा। वे लोग ताबीज लेकर घर लौट रहे थे, तभी अचानक रास्ते में उनकी कार का कांच फूट गया। दोनों पति पत्नी चोटिल हो गए। उन्होंने कार रोकी तो सामने वही महिला खड़ी थी जिसे देखने का दावा रुचि करती थी। उसका रूप देखकर दोनों डर गए। वो उन दोनों की तरफ आगे बढ़ी और अपने दोनों हाथों से उन दोनों की गर्दन पकड़कर हवा में लटका दिया। दोनों की सांस घुट रही थी, तभी उन्हें उस ताबीज का ध्यान आया। उन्होंने अपनी जेब से ताबीज निकालकर उस महिला को छुआ दिया। वो तुरंत वहां से गायब हो गई। वे लोग तुरंत घर पहुंचे। उन्होंने वो ताबीज रुचि को पहना दिया ताकि उसकी रक्षा हो सके। कौन है ये आफत जो हमारी बच्ची के पीछे पड़ी है? ये तो पंडित जी के आने के बाद ही पता चलेगा। पूर्णिमा के दिन पंडित जी अपने शिष्यों के साथ वहाँ पर आएंगे। पंडित जी ने पूजा शुरू की तो उसके प्रभाव से वो आत्मा उनके सामने आकर बैठ गई। कौन है तू? इस लड़की को क्यों परेशान कर रही है? मैं कोई भी हूँ, तुझे उससे क्या? तू यहाँ से चली जा, वरना तेरा अंतिम समय आ जाएगा। तू क्या मुझे मारेगी? तुझे तो मैं खुद इस बंधन से मुक्त करने के लिए आया हूँ। तू क्या मुझे मुक्त करेगा? पहले खुद को तो बचा ले। कहते हुए उसने अपने दोनों हाथ उठाए तो पंडित जी और उनके शिष्य हवा में उड़ रहे थे। ये देख वो आत्मा जोर जोर से हंसने लगी। चले जा यहाँ से। मेरी शादी नहीं हुई, मैं इसकी शादी भी नहीं होने दूंगी। पंडित जी ने कुछ मंत्रों का जाप किया तो वो वापस जमीन पर आ गए। फिर उन्होंने हाथ में गंगा जल लेकर जैसे ही उस आत्मा के ऊपर डाला, आत्मा कुछ पल के लिए शांत हो गई। मुझे मुक्ति दे दो, बहुत बरसों से भटक रही हूँ। कौन हो तुम और इस लड़की के पीछे क्यों पड़ी हो? बरसों पहले मुझे मेरा प्रेमी घर से भगा के ले गया था। शादी के सपने दिखाकर उसने मेरा उपभोग किया
मगर जब कुछ दिनों के बाद मन भर गया तो मेरे गहने लेकर मुझे ट्रेन की पटरी पर ट्रेन के सामने फेंक कर भाग गया। तब से मेरा प्रेम पर से विश्वास उठ गया। ये लड़की आधी रात को स्टेशन पर उतरी और उसके मुंह से मैंने सुना ये शादी करने के लिए आई है, तो मैंने सोच लिया था इसकी जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगी। मगर अब मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है, मुझे मुक्ति दे दो। पंडित जी ने मंत्रों का जाप किया और पूजा की। उसके बाद वो आत्मा धुआं बनकर एक कलश के अंदर समा गई। अब आपको डरने की जरूरत नहीं है, हम कल ही इस कलश को अपने शिष्य के साथ बनारस भेज देंगे, जहां गंगा मैया इसकी मुक्ति का निवारण करेगी। रुचि के घर वालों को उस आत्मा के लिए बुरा लग रहा था, मगर अब वो लोग खुश थे कि रुचि की शादी हो सकती है।